गोरखपुर मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, लिहाजा मामले में इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यही नहीं, एसपी सुप्रीमो ने तो आरोपी अहमद मुर्तजा के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी की आलोचना तक कर डाली। अपने इस आलोचना में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले दिनों गोरखपुर पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले को लेकर अहमद मुर्तजा अब्बासी को आरोपी बनाया था, लेकिन मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, जिस वजह से बीजेपी उसे मामले में घसीट रही है। दरअसल विधान परिषद चुनाव के सिलसिले में कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने जब सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है उसके हिसाब से उसकी दिमागी समस्या थी, उसके साथ बाइपोलर इशू थे। मुझे लगता है कि वो पहलू भी देखना पड़ेगा। बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को ना जाने कितना खींच देती है। और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों का क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों का दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी? पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। बता दे, रविवार देर रात को 30 साल के अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान जब उसे रोका गया तो उसने सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पीएसी के दो कांस्टेबल घायल हो गए। वही अब मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ और एटीएस की टीम कर रही है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास भी है, वो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। हालांकि हमले के वक्त योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में नहीं थे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने इस दौरान 12वीं के पेपर लीक मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर भी बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है।